आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। शांतिपूर्ण हुआ मतदान। 18 वार्डों के 47 मतदान केंद्रों पर नागरिकों ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। 2 नवंबर को होगी साफ तस्वीर। सनावद, पिछले 20 दिनों से लोकसभा उपचुनाव को लेकर चहल पहल मतदान के साथ खत्म हुई। अब नागरिकों की नजर 2 नवंबर को होने वाली काउंटिंग पर होगी। नगर में शनिवार को लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान 18 वार्डों के 47 मतदान केंद्रों पर नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं नगर में 2 मतदान केंद्र आदर्श और पिंक बूथ बनाकर नागरिकों को चुनाव आयोग की तरफ से की गई अतिरिक्त व्यवस्थाओं का लाभ मिला। सर्वाधिक मतदान केंद्र कन्याशाला में नगर में 18 वार्डों के लिए 1000 से अधिक मतदाता होने पर अन्य बूथ बनाने के निर्देश कोरोना संक्रमण के कारण मिले। इसके बाद शासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नागरिकों से मतदान करवाया गया। वहीं मतदान केंद्र के बाहर स्वास्थ्यकर्मी वैक्सीन लगाने के लिए बैठे थे। शासन के निर्देश पर सैनिटाइजर होने के साथ मास्क पहने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की गई, जिसका नागरिकों ने भी बखूबी पालन किया। नगर के सभी मतदान केंद्रों पर शासन की गाइडलाइन का पालन करते हुए मतदान किया गया। आदर्श और पिंक मतदान केंद्र बनाए। नगर में 18 वार्डों के लिए विभिन्न स्थानों पर मतदान केंद्र बनाए गए थे। वहीं नगर में 2 मतदान केंद्र आदर्श और पिंक मतदान केंद्र भी बनाए गए, जहां पर चुनाव आयोग द्वारा आदर्श मतदान केंद्र पर सोफे कालीन बिछाकर आने वाले मतदाताओं से मतदान करवाया गया। वहीं एक मतदान केंद्र पिंक बूथ बनाया, जहां पर मौजूद महिला स्टाफ पिंक कलर की साड़ी पहनकर मतदान करवा रही थी। युवाओं ने ली चुनाव में रुचि। चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक दल अपने अपने समर्थनों और अपने प्रत्याशियों के लिए नागरिक से वोट करने की अपील कर रहे थे, वहीं मतदान वाले दिन युवाओं का भी अलग उत्साह देखने को मिला, जहां पर नागरिकों ने बड़ी संख्या में युवा और युवतियों ने पहली बार पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान युवाओं ने बताया कि देश में जिस तरह का विकास हो नीति चल रही है, उस तरह हम भी विकास के नाम पर क्षेत्र के उन्नत विकास के लिए वोट कर रहे हैं। वहीं इस दौरान 102 वर्षीय महिला ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस यज्ञ में अपनी आहुति मतदान के रूप में समर्पित की। सनावद से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।